नमस्कार, मैं हूँ तोरल और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। कल बकरी ईद है। इस्लामिक मान्यता के अनुसार ईद उल अजहा के दिन अल्लाह के हुकुम पर हजरत इब्राहिम अपने पुत्र हजरत इस्माइल की कुर्बानी अल्लाह की राह में देने जा रहे थे, लेकिन अल्लाह ने उसी समय हजरत इस्माइल की जगह एक दुम्बे को रख दिया। इससे हजरत इस्माइल को जीवन दान मिल गया। उन्हीं की याद में बकरी ईद का पर्व मनाया जाता है। इस दिन मुस्लिम बंधु सुबह उठकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर ईदगाह व मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाते हैं। इसके बाद घर पर बकरे की कुर्बानी देते हैं। इसमें तीन हिस्से किए जाते हैं। एक हिस्सा गरीबों के लिए होता है, वही एक हिस्सा अपने रिश्तेदारों व एक हिस्सा घर के लिए होता है। पर्व को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग पूरे दिन तैयारी में लगे रहते हैं। वही घरों में साफ सफाई की जाती है। इससे मुस्लिम बहुल इलाकों में पर्व को लेकर उत्साह देखने को मिलता है। ईद अल अजहा या कुर्बानी की ईद इस्लाम धर्म में विश्वास करने वाले लोगों का एक प्रमुख त्योहार है। रमजान के पवित्र महीने की समाप्ति के लगभग 70 दिनों बाद इसे मनाया जाता है।